विजय जी, पिछले दिनों मैं अमित शाह का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनसे यही पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, अडानी उनके मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाया, इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। तो मुझे उनका जवाब बहुत कन्विंसिंग लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है, अगर नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी है तो इनके आरोप चस्पा हो जाएंगे, और अगर छवि ही ऐसी नहीं है, अतीत ही ऐसा नहीं है, तो ये लाख सुबह शाम उन पर अटैक करते रहें, आरोप लगाते रहें, उनकी छवि खराब नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और बौखलाहट बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के नेताओं में भी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं में भी, एक बड़ी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी तो लगे हुए हैं देश के विकास के लिए, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, पूंजी निवेश लाने के लिए, और यहाँ भी चाहे अडानी हो, अंबानी हो, दूसरे उद्योग जगत हो, टाटा हो, बिड़ला हो, वो भी इनके सहायक बन रहे हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा है 33 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के ऑफर आ गए, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं ये चीजें चल रही हैं। तो ये बौखलाहट की वजह है कि नरेंद्र मोदी को श्रेय ना मिल जाए नेक्स्ट स्टेप पर भारत को ले जाने के लिए, और बदलते हुए देश को बनाने का जो है श्रेय नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए, और जो भी उनके सहायक हैं इस काम में उनको भी लपेटे में ले लो ताकि वो डर जाए। सर देखिए, जो आपने कहा कि मैंने यही बात कही ना कि देखिए, आज हर आदमी राहुल गांधी को सुन रहा है क्योंकि उनको लगता है कि जो शायद राहुल गांधी ने आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर, उसमें कुछ तो दम है। अभी पहले ट्रेलर में ये चीजें सबको समझ में आ रही, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा लोग काउंटर क्वेश्चन करने लगेंगे कि राहुल जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये हुआ है वो हुआ है तो आज तक आप प्रूफ क्यों नहीं दे पाए। अभी आपने ये बात करी, हमने आपकी बात मान ली, अभी आप बहुत बिजी हो ये भी हमें पता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जब ये गर्मी थोड़ी कम होगी तब अगला सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग यही पूछेंगे ना कि राहुल जी कोई एविडेंस है क्या, तो फिर वो कहेंगे नहीं 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 देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो फिर आप एक काम करिए ना, जरा पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करवा दीजिए कि जितना आज तक अवर्णन हुआ है अडानी को सबको कैंसिल किया जाए, फिर तथ्य और सामने आ जाएंगे, लेट कोर्ट डिसाइड, क्योंकि आपके पास विकल्प सारे हैं तो आप यूज करिए ना उनका। आप एविडेंस दिखा नहीं रहे, आप कोर्ट जा नहीं रहे, आप कोई प्रूफ दे नहीं पा रहे, आपके पास ये कोई एविडेंस नहीं है कि मोदी साहब को पैसा मिला। अब आप कहते हैं कि नहीं जी कॉरपोरेट फंडिंग बीजेपी को हो रही है, तो भैया बीजेपी को अगर हो रही है तो भाई बहुत सीधी सी बात है सर, अगर मैं एमडी हूं कंपनी का तो मैं राहुल गांधी को या केजरीवाल को या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को या किसी और पार्टी को चंदा देने से पहले ये तो सोचूंगा ना कि भाई देश का भला किसमें है, क्योंकि मेरे पास तो सीमित साधन है, मैं हरेक को तो दे नहीं सकता, और अगर देना भी चाहूंगा तो एक रेशो में बांटूंगा कि ठीक है यार जिसके जितने एमपी उसको उतने 1000 रुपए दे देता हूं मैं, तो आपके सामने अपने आप हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला, कोई ना कोई तो लॉजिक कोई भी डोनर लगाएगा। सो ये हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हो वो सब ठीक। एक समय था जब आप पूरा जो कॉरपोरेट फंडिंग आता था वो कांग्रेस को आता था, आज नहीं आ रहा है, कभी मायावती जी को आता था कभी मुलायम जी को आता था। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को ये क्यों मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया में हर आदमी के पास दिमाग है, हर आदमी सोच समझ के काम करता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सोच आपसे मेल खाती हो। मैं अपने हित के लिए काम कर रहा हूं, आप अपने हित के लिए काम कर रहे हो, इसमें दिक्कत क्या है? इकोनॉमी का आधार ही यही है कि हर आदमी अपने भले के लिए मेहनत करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती ही नहीं। तो ये बात बहुत सिंपल है, इसमें विचलित होने की क्या जरूरत है? हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड आप कहेंगे जी ठीक नहीं है, 90% किसी एक पार्टी को चले गए, वेरी गुड, तो
तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद करवा दो? करवा दो तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग कैसी होगी? फिर आप कहेंगे जी ब्लैक मनी इलेक्शन में आ रहा है। आपने ब्लैक मनी को रोकने के लिए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए थे। अब जो आदमी इलेक्ट्रल बॉन्ड बना रहा है, दे रहा है, वो तो अपनी मर्जी से दे रहा है ना। आप उस पर कैसे कानून बना सकते हो कि आपको 50% इसको देना है और 25% उसको देना है? क्या आप मेरे पे ये लांछन या आप कानून लगा सकते हो कि मेरा पैसा है मैं कैसे बांटू? आप मेरे पे कोई कानून बना सकते हो? भाई फ्रीडम है ना, मेरा पैसा है, आई विल डिसाइड। अब आप कहेंगे नहीं जी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा मिले, किस लिए? भाई आप कोई समाज सेवी संस्था थोड़ी हो यार। मुझे आपकी नीतियां नहीं पसंद, बात खत्म होगी, मैं नहीं दूंगा पैसे आपको, मेरे को नहीं देना है। अब उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे को जबरदस्ती कह सकता है कि नहीं जी विजय जी आप तो देना ही पड़ेगा आपको? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिबेट अभी आगे जाएगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है, देखेंगे क्या निर्णय आता है। आप एक सिस्टम बंद कर दीजिए, दूसरा आ जाएगा। दुनिया थोड़ी रुकती है हमारे कहने से और कोर्ट के कहने से। क्या रुका है सर आज तक दुनिया में? क्या रुका है कोर्ट के कहने से? रास्ता बदल जाता है भाई। जिसको ऑफिस जाना है वो जाएगा, जिसको खाना खाना है वो खाएगा, जिसको कपड़े पहनने हैं वो पहनेगा। रास्ता निकाल लेंगे लोग। आप एक रास्ता बंद करोगे लोग दूसरा निकाल लेंगे। आप एक पॉलिसी आपको लगता है ठीक नहीं है, दूसरी बन जाएगी। और अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाते हो जिससे सब कुछ ही रुकने का है, लोग कानून तोड़ेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? आज तक आपने कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा रखी हुई थी तो स्मगलिंग होती थी ना, क्योंकि आप सीधी तरीके से सामान लाने नहीं दे रहे। मेरे को चाहिए, मैं आपको कस्टम ड्यूटी देने को तैयार हूं, 10-12% आप मेरे से ले लीजिए, लेकिन आप कहेंगे 80% में कस्टम ड्यूटी लूंगा। तो ठीक है आप लेते रहिए, मैं उसको लोग अपने जो बैगेज है उसमें डाल के लिए आते थे, सोना था लोग चूड़ियां पहन के लिए आते थे, कहीं लिखा हुआ है कि आप चूड़ी पहन के नहीं आओगे? या मंगलसूत्र बनवा के लोग बाहर से ले आते थे, मना है कहीं लाना? तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जब तक लॉजिकल नहीं होंगे तब तक आप देश को गवर्न नहीं कर सकते। सिर्फ इमोशन से और शोर मचाने से या कानून की किताब दिखाने से देश नहीं चलता है। इसीलिए हर कदम पे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति साहब अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सरकार अपनी विवेक का इस्तेमाल करेगी, गवर्नर अपनी विवेक का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि विवेक को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कल से ऐसा होगा। आप अगर घर से निकले और आप कहेंगे कि विजय जी मैं ऑफिस जा रहा हूं और मेरा रूटीन है, मैं राइट होके जाऊंगा, अगर वो सड़कें टूटी हुई हैं, बैरिकेडिंग है, तो आप क्या लेफ्ट से यू टर्न लेके नहीं आओगे? कहीं लिखा हुआ है कि आपको राइट ही जाना है और राइट का रास्ता बंद है तो उस दिन ऑफिस की छुट्टी? ऐसे क्यों होता है क्या? तो मुझे लगता है कि हम लोगों को लॉजिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सिंपली ये कहने से कि कानून कानून एक इंटेंशन बताता है, कानून हर परिस्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कानून यही कहेगा ना कि आप पब्लिक सेक्टर या कोई भी प्रोजेक्ट आप ऑक्शन कर दीजिए, ऑक्शन कर दिया, अडानी को मिल गया। अब आप कहोगे जी ऑक्शन क्यों किया, तो किसको दें? आप ही ने तो कहा था ऑक्शन करो, क्योंकि 2G कोल के घोटाले में क्या हुआ था, एलोकेट किया गया था कि चलो आपको चाहिए आप ले जाओ, आपको चाहिए आप ले जाओ, यही हुआ था ना, 2G में भी यही हुआ था। तो सरकार ने कहा नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज इनका आप ऑक्शन किया कीजिए। जब ऑक्शन किया तो आपको प्रॉब्लम, एलोकेशन किया तब आपको प्रॉब्लम, तो आपको करना क्या, रास्ता बता दो। तो मुझे लगता है कि लोग हकीकत को समझना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कितनी कंपनियां चलाई हैं या कितनी ऑर्गेनाइजेशन चलाई है मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में काम किया होता तो शायद ये हंगामा नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस की पार्टी में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने प्रोफेशनल्स हैं, आपने कभी भी उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछे होंगे, आप उनके शोर ऐसे नहीं आए होंगे कि यार क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि मनी मन वो भी हंसते होंगे, यार राहुल गांधी क्या कर रहा है, इसको खुद ही नहीं पता काम कैसे होता है। लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि मजबूरी है, बॉस क्या बोल रहा है, बॉस के आगे कौन बोले। ये हकीकत है सर, आने वाले दिन पता लगेंगे कि और क्या गुल खिलाएंगे।